हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश। स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी एंड हाउ टू मेंटेन ऑफ कंसंट्रेशन फॉर स्टडी फॉर गेटिंग ए सक्सेस अचीवमेंट एंड गोल। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ रियलिटी और प्रॉब्लम की जो स्टूडेंट्स के साथ बहुत होती है। दोस्तों, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा मन बहुत भटकता है, हमें पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं आता, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट चलते हैं कि हमारे मैथ में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मैथ सॉल्व नहीं होती, मैथ में कर नहीं पाता, स्टडी मेरा मन नहीं लगता। इस तरह के दोस्तों आपके जब थॉट आते हैं जब आप स्टडी कर रहे होते हो। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है। अब दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, कॉलेज एग्ज़ाम या स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप स्टडी पर फुल कॉन्सेंट्रेशन करना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों हाँ, यह वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों, देखते हैं इन सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को, इन सभी क्वेश्चन के आंसर को। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इन टिप्स का प्रयोग करके आप अपने इम्प्रूवमेंट कर सकोगे, आप अपने स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। हम डिस्कस करने वाले हैं 6 टिप्स की। तो पहली टिप्स की बात करते हैं, डीप वर्क डोंट डू शैलो वर्क। अब बात करते हैं डीप वर्क क्या है। अगर आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अचीव कर पाएँ, और अगर आप कम टाइम में अच्छा डीप वर्क करते हो तो दोस्तों आप डीप वर्क, जब आप डिस्ट्रैक्शन के साथ काम करते हो, साथ में ईमेल चेक करते हो, फेसबुक चेक करते हो, यूट्यूब, व्हाट्सएप या कोई सी सोशल वेबसाइट, और साथ में आप स्टडी कर रहे हो तो दोस्तों आप सेलो वर्क कर रहे होते हो, आप डीप वर्क तब नहीं करते हैं। दोस्तों, आजकल की डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में ना डीप वर्क करना बहुत ही रेयर हो जाता है, और इसलिए ये स्किल बहुत ही ज़्यादा दोस्तों वैल्यूबल है। और दोस्तों, फ्यूचर में जिसके पास भी स्किल होगी दोस्तों, वही अपने फील्ड में बादशाह होगा, वही अपने फील्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। दोस्तों बात करते हैं डीप वर्क कैसे करें और इनके लिए करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, डीप वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना होगा, अपने एडिक्शन को हटाना होगा। दोस्तों, स्टडी करते वक्त आपको अपने सेलफोन को स्विच ऑफ करना है, या दोस्तों आप सेलफोन को अपने साथ दूर रख सकते हो। अब दोस्तों, आप जहाँ भी स्टडी करते हो, स्टडी करते टाइम दोस्तों आपको जिस सब्जेक्ट की स्टडी करनी है वही सब्जेक्ट को रखें, 2-3 बुक नहीं रखें, अलग से पेपर मत रखें, कोई से भी ऐसी चीज़ नहीं रखना है आपको अपने स्टडी टेबल पे जिससे आप डिस्ट्रैक्शन हो, और सेलफोन तो बिल्कुल ही नहीं रखना। एंड अगेन आई एम सेइंग एंड द मोस्ट थिंग, स्टडी करते वक्त आपको अपने मोबाइल से दूर ही रहना है। दोस्तों इसी टेक्निक डीप वर्क करके बहुत सारे लोग अपने गोल में अचीव कर चुके हैं। जैसे दोस्तों, जेके रोलिंग जब 2007 में हैरी पॉटर की लास्ट फाइनल बुक लिखने जा रही थी, तब उन्होंने पूरी की पूरी बुक अपने एक अलग से एक होटल में लिखी थी, अपने फैमिली फ्रेंड, अपने दोस्तों, अपने फैमिली से दूर जाकर लिखी थी। क्योंकि दोस्तों उनका कहना था कि जब मैं ये बुक लिखती थी अपने घर में तो मुझे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती थी, किसी की आवाज़ आती थी। तो दोस्तों उन्होंने इसलिए डीप वर्क करने के लिए वो एक अलग होटल में गई, रेंट पे उन्होंने ये बुक लिखी थी। तो दोस्तों बात करता हूँ टिप नंबर 2 की, कि दोस्तों आपको बनाना है डिस्ट्रैक्शन सीट। दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करते वक्त आपके मन में बहुत सारे सोच होती है कि बहुत सारे थॉट चल रहे हों, बहुत सारे विचार चल रहे हो, तो दोस्तों आप एक पेपर लीजिए और पेपर पर डिस्ट्रैक्शन सीट बनाए। जिस जिसकी दोस्तों आपको टेंशन है, जिस जिसकी चीज़ से अगर आप डिस्ट्रैक्शन हो रहे हो, उसको दोस्तों राइट डाउन कर लें और उसको बंद करके रख दें, और दोस्तों आप स्टडी करें। इससे दोस्तों आपको ये होगा कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो दोस्तों आपको उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी कि मुझे आज ये काम करना है, आज मुझे वो काम करना है, मेरे दोस्तों से आज मुझे ये बुक लेनी थी। जो भी आपका कोई काम है, जो भी आप अधूरा काम छोड़ चुके हो, उसको दोस्तों आप डिस्ट्रैक्शन सीट पर लिख दो, इससे आप दोस्तों डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो दोस्तों बात करता हूँ टिप नंबर 3 की, डेडलाइन। अब दोस्तों बात करता हूँ आपको डेडलाइन करनी है। दोस्तों डेडलाइन का मतलब कि दोस्तों आपको एक सेट, एक पार्टिकुलर आपको अपना टारगेट, एक पार्टिकुलर आपको गोल सेट करना है कि मुझे आज एक दिन में मुझे ये पढ़ना है, या मुझे एक वीक में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, या मुझे 1 मंथ में ये सब्जेक्ट मुझे क्लियर करना है तो क्लियर करना है। डेडलाइन दोस्तों होता है खुद से मोटिवेट, खुद को ये समझाना कि मुझे ये काम करना है। दोस्तों जिस दिन अगर आपने डेडलाइन करने लग गए, अपने आप को मोटिवेट करने लग गए, आपको अपने पर भरोसा हो जाएगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो दोस्तों आप वो काम पक्का कर लोगे और आपको दुनिया की कोई सी भी ताकत आपको ये काम करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों डीप वर्क करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको अपने अंदर ये जज्बा होना पड़ेगा, आपको ये सोच रखनी पड़ेगी कि मैं काम कर सकता हूँ, कोई डिस्ट्रैक्शन मेरे को हटा नहीं सकती, मैं जब तक इस बुक को नहीं उठूंगा, जब तक उस बुक को नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं ये बुक नहीं पढ़ लेता, इस चैप्टर के पूरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ लेता, तब तक दोस्तों ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। दोस्तों बात करता हूँ टिप नंबर 4 की, मॉर्निंग रूटीन, मतलब दोस्तों डेली रूटीन। दोस्तों जब हम सुबह उठते हैं ना,
यह तभी डिसाइड हो जाता है कि हम आज पूरा दिन क्या करने वाले हैं, हमारा आज का दिन कैसा जाएगा। दोस्तों जब हम सुबह उठते हैं, अगर हमारे डेली रूटीन अच्छा नहीं है, हमारी मॉर्निंग हैबिट अच्छी नहीं है, तो दोस्तों हम करते क्या है कि हम सेलफोन ले लेते हैं, गाने सुनने लग जाते हैं, व्हाट्सएप चलाने लग जाते हैं, और इम्पैक्ट दोस्तों कुछ लोग तो पबजी खेलने लग जाते हैं। दोस्तों जैसा हमारा डेली रूटीन होगा, जैसा हमारा मॉर्निंग हैबिट होगी, उसी के बेस पर तो हमारा पूरा दिन जाएगा, उसी बेस पर हम उसको यूटिलाइज करेंगे या वेस्ट करेंगे या यूज करेंगे। दोस्तों तो मॉर्निंग रूटीन पर जल्दी ध्यान दे रहे हैं, आपको सुबह 5 बजे उठना है, या दोस्तों आप अपना टाइम खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब उठना है। तो सुबह उठते ही आपको ये डिसाइड करना है कि आज मुझे क्या करना है। आपको एक मेकअप लिस्ट बनानी है, आपको एक लिस्ट बनानी है एक पेपर पे कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, आज मुझे ये टॉपिक काम करना है, और आज मुझे इस सब्जेक्ट को इतने चैप्टर क्लियर करने हैं। दोस्तों ये आपको सुबह ही डिसाइड करना है, और जब रात में आपको सोने जाओ तो सबसे पहले ये चेक करो कि मैंने ये काम कर लिया। अगर आपने कर लिया तो उस पर टिक मारो, नहीं करा दोस्तों फिर आपको ये सोचना है कि आपने क्या किया आज पूरा दिन, क्यों मैंने नहीं किया। दोस्तों यह आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मॉर्निंग रूटीन को चेंज करो और सुबह जल्दी उठो और जल्दी कुछ करो। टिप नंबर 5, वन डे टारगेट एंड वन डे गोल। दोस्तों वन डे टारगेट मतलब है कि आज के दिन में जो आपको जो जो काम करना है वो आपका टारगेट है। आपको डिसाइड करना है कि मेरा आज ये टारगेट है कि आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आज इतने सब्जेक्ट के इतने चैप्टर मुझे क्लियर करने हैं, क्योंकि 2 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, मुझे जल्दी से प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने गोल सेट करना है, वन डे गोल मतलब लिमिटेड पीरियड का गोल करना है। दोस्तों टिप नंबर 6, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही बेस्ट टिप्स है। दोस्तों जब आप स्टडी करने जा रहे हो, जब आपको स्टडी करनी है, तो दोस्तों आपको शुरुआत में एकदम से नहीं पढ़ना है, आपको शुरुआत में 20 मिनट्स ही स्टडी करनी है। 10 मिनट्स का ब्रेक लेके उसके बाद दोस्तों फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, फिर 20 मिनट्स की स्टडी करो, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक, ऐसे करके दोस्तों आप 1 आवर की स्टडी कर सकते हो। दोस्तों शुरुआत में ना हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि 1 आवर की स्टडी करो, 2 आवर की स्टडी करो, फिर दोस्तों ऐसे स्टडी बोरिंग लगने लगेगी, फिर आपका मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा स्टडी बोरिंग है, ये है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों शुरुआत में ना आपको धीरे धीरे पढ़ना है, आपको शुरुआत में कम लिमिट में पढ़ना है, शुरुआत में आपको 20 मिनट स्टडी करनी है, 10 मिनट्स ब्रेक, फिर 20 मिनट करनी है, ऐसे दोस्तों आपको 1 आवर तक पढ़ना है, फिर धीरे धीरे आपकी दोस्तों हैबिट गेन हो जाएगी, फिर दोस्तों आप 1 आवर, 2 आवर, 6 आवर, ऐसे करके दोस्तों आपकी हैबिट इतनी अच्छी हो जाएगी कि एक दिन आप अपना स्टडी पे कंसंट्रेशन करोगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, और आप दोस्तों अपनी लाइफ में जो बनना चाहते हैं, आपने जो सपने देखे हैं, जो करना चाहते हो, उसको आप हासिल करोगे। दोस्तों कंसंट्रेशन अगर हम किसी भी चीज़ पर करके रखते हैं दोस्तों, हम उसको हासिल कर सकते हैं। दोस्तों शुरुआत में ना कोई सी भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं सीखी जा सकती, इट्स टेक टाइम। दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता ही है, तो शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको उसको हैबिट गेन करनी है, धीरे धीरे उपयोग करना है। और दोस्तों आखिर में मैं आपको बस एक ही बात कहूँगा, इस वीडियो में मैंने जो भी टिप्स दिए हैं दोस्तों, अगर आप उसे फॉलो नहीं करते, अगर आप इतने अपनी लाइफ में इसे इंप्लीमेंट नहीं करते, इसका उपयोग नहीं करते डेली रूटीन में, तो दोस्तों फिर ये वीडियो देखना आपका वेस्ट हो जाएगा, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाता हूं। दोस्तों सिर्फ कहने की बात है, दुनिया करती है, आज भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, आज भी लोग स्टूडेंट IIT JEE में लेके आते हैं, 1 रैंक लेके आते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, वो दोस्तों कंसंट्रेशन से तो होता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट आप इसे फॉलो नहीं कर सकते, आप धीरे धीरे कर सकते हो, कोई सी भी चीज़ 100% नहीं सीखी जा सकती। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से आप इसे 50% यूज करो, 60%, 70%, ऐसे दोस्तों आप धीरे धीरे इसको यूज कर सकते हो, अपने लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करो। सिर्फ वीडियो देखने से सुनने से नहीं होता है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, इसे देखोगे फिर दूसरी वीडियो देखोगे, इसे फिर दूसरी देखोगे, तीसरी वीडियो देखोगे, देखने से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंट करना होता है। दोस्तों मैं जो भी बता रहा हूँ ये एक प्रैक्टिकली तरीका है, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में एब्जॉर्व किया है, इसका मैंने खुद उपयोग किया है, इस्तेमाल किया है, तभी जाके दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताना इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम थी, साउंड क्वालिटी कैसी थी, ये वगैरह वगैरह, जो भी आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा था मुझे अच्छी नहीं लगी, तो प्लीज़ डिसलाइक मार देना, हो सकता है कि आपको अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।